दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि जनतंत्र की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तीन महीने के अंदर, सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही केंद्र सरकार से एक आदेश पारित करवाया कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, IAS अफसर से क्लास A से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें, हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के, जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर, जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। ये हम चाहते हैं दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल, अस्पताल में एक मॉडल दिया, अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।